अब हम आपको एक एक्स्ट्रा विचार आज देना चाहते हैं। ये विचार आम हिंदुस्तानी के टैक्स ना देने की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है और हो सकता है ये बातें कभी ना कभी आपके मन में भी जरूर आती होंगी। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पिछले 70 वर्षों में हमारे देश की सरकारों ने आम लोगों का भरोसा तोड़ा है। आज हम लोगों की उस सोच को डिकोड करेंगे जो उन्हें टैक्स चुकाने से रोकती है। इस विचार की शुरुआत में ही एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम भारत के आम लोगों की बात कर रहे हैं, हम उन बड़े बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे जो सरकार को धोखा देकर लाखों करोड़ों रुपए के टैक्स की चोरी करते हैं। हम आपसे एडवांस में ही ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा निशाना उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने आज़ादी के बाद 70 वर्षों में आम लोगों को वो सुविधाएं नहीं दी जिससे वो टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित होते। ये विचार सरकारों की असफलता को दिखाता है, ये विचार हमारी व्यवस्था की असफलता को दर्शाता है। हमारे देश में तमाम पार्टियों की सरकारें आईं, तमाम लोग प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करवा पाए, 24 घंटे साफ पानी उपलब्ध नहीं करवा पाए और इसीलिए आम लोगों को जनरेटर्स लगाने पड़े, इन्वर्टर्स लगाने पड़े, पीने के पानी का, साफ पानी का इंतजाम खुद करना पड़ा। अलग अलग सरकारें आईं लेकिन वो आम आदमी को सुरक्षा नहीं मुहैया करवा पाई, इसलिए लोग प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने लगे। हमारे देश में सरकारें लोगों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करवा पाई, इसलिए लोगों ने पब्लिक या प्राइवेट स्कूल बनवा लिए और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। देश की सरकारें लोगों को अच्छे अस्पताल नहीं दे पाई जिसकी वजह से आम लोगों को प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा। अगर सरकारी अस्पतालों में भी उतनी ही सुविधा मिलती तो शायद प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत ही ना पड़ती। अमेरिका में कई ऐसी जगहें हैं जहां प्राइवेट अस्पताल होते ही नहीं, वहां सरकारी अस्पताल इतने सक्षम हैं कि किसी और की जरूरत पड़ती ही नहीं है। हमने आपको अमेरिका से इस विषय पर अपनी डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग भी दिखाई थी। इसी तरह हमारी सरकारें अपने लोगों को परिवहन का अच्छा साधन नहीं दे पाई, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाई और इसीलिए लोगों को अपनी खुद की कारें खरीदनी पड़ी, खुद के टू व्हीलर्स खरीदने पड़े, अपने ऑफिस जाने का इंतजाम खुद करना पड़ा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्तर अच्छा होता तो लोगों को निजी वाहन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर आपके लिए समझना भी जरूरी है कि हमारे देश में एक टैक्स पेयर जब अपनी नौकरी से रिटायर होता है, एक आम आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी जब रिटायर होता है और जब अपना जीवन चलाने के लिए उसे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो उसे बदले में सरकार से क्या मिलता है। हम बड़े दुख के साथ आज ये आपको बता रहे हैं कि पिछले 70 वर्षों में हमारे देश की सरकारें टैक्स चुकाने वाले आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा भी ठीक से नहीं दे पाई। आज भी आम आदमी अपनी हर तरह की सुरक्षा के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। अपने बुढ़ापे के दौरान एक सामान्य जीवन के लिए उसे खुद ही सारी बचत करनी होती है। बुढ़ापे में अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसे इतना पैसा बचाना पड़ता है कि एक अच्छे प्राइवेट अस्पताल में कम से कम अपना इलाज करवा पाए। यानी बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत एक बहुत ही फिसड्डी देश है। आम आदमी इस उम्मीद से टैक्स देता है कि टैक्स के रूप में दिए गए पैसे से उसका भला होगा और सरकार किसी न किसी रूप में उसे सीधा फायदा पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तमाम नेता और राजनीतिक पार्टियां आम आदमी द्वारा, शरीफ आदमी द्वारा दिए गए टैक्स का राजनीतिक इस्तेमाल करती हैं, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं। टैक्स के पैसों से वोट हासिल करने के लिए लोगों को तरह तरह की सब्सिडीज दी जाती हैं, मुफ्त के टेलीविजन बांटे जाते हैं, लैपटॉप्स बांटे जाते हैं, मोबाइल फोन या कोई और ऐसी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं ताकि तुष्टीकरण की राजनीति की जा सके और उसके जरिए वोट खरीदे जा सके। और इसका सीधा असर ये होता है कि टैक्स देने वाला आम नागरिक हतोत्साहित हो जाता है और फिर वो हर जायज या नाजायज तरीके से टैक्स बचाता है, टैक्स की चोरी करने लगता है ताकि ये पैसा उसके बुरे वक्त में उसके काम आ सके। ये सूरत बदलनी चाहिए, होना ये चाहिए कि किसी के बुरे वक्त में देश की सरकार उसके काम आए। हालांकि इसके लिए भी सरकार को टैक्स की ही जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी और वो पैसा फिर कहां से आएगा? वो पैसा भी टैक्स के जरिए ही तो आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सिर्फ 4% लोग ही सरकार को इनकम टैक्स चुकाते हैं। जी हाँ, सिर्फ 4% लोग भारत में इनकम टैक्स देते हैं, बाकी के 96% लोग इनकम टैक्स नहीं देते। वर्ष 2014 और 15 में देश के सिर्फ 5 करोड़ 17 लाख लोगों ने ही इनकम टैक्स चुकाया था। इतने बड़े देश में सोचिए सिर्फ 5 करोड़ 17 लाख लोगों ने इनकम टैक्स दिया था और टैक्स कलेक्शन था 2 लाख
66,000 करोड़ रुपए, जबकि वर्ष 2015 और 16 का टैक्स कलेक्शन 2,87,000 करोड़ रुपए रहा। अब मान लीजिए कि अगर भारत में 20 या 25 करोड़ लोग टैक्स देने लगे तो देश की टैक्स कलेक्शन भी कई गुना बढ़ सकती है और फिर सरकार टैक्स के पैसे को देश के विकास में लगा सकती है। सिर्फ गारंटी इस बात की चाहिए कि सरकार ईमानदारी से इस टैक्स को टैक्स देने वाले लोगों पर ही खर्च करे, उनकी जिंदगी को सुधारने में खर्च करे। सारी जिम्मेदारियां सरकार की ही हैं ऐसा भी नहीं, हमारे देश के लोगों को भी अपना टैक्स चुकाने के मामले में विदेशों से सीख लेने की जरूरत है। अमेरिका में 32 करोड़ की आबादी में से 14.5 करोड़ नागरिक अपना इनकम टैक्स चुकाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की आबादी करीब 2.3 करोड़ है और इस आबादी में से 1.3 करोड़ लोग ईमानदारी से सरकार को अपना टैक्स देते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया की आधी से ज्यादा आबादी टैक्स देती है। यहाँ आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि अमेरिका जैसे देशों में सरकारें कैसे अपने नागरिकों का ख्याल रखती हैं और उन्हें पूरी सामाजिक सुरक्षा देती हैं। अमेरिका में सरकार लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर अपने रक्षा बजट से भी ज्यादा पैसा खर्च करती है। अमेरिका का 2016 का रक्षा बजट 580 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 40,00,000 करोड़ रुपए का है, जबकि अमेरिका का सन 2016 का सोशल सिक्योरिटी का खर्च 916 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 63,00,000 करोड़ रुपए का है। अमेरिका में रिटायरमेंट के बाद किसी भी व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी के लिए कर्मचारियों पर अलग से टैक्स लगाया जाता है और इस टैक्स का इस्तेमाल नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के अलावा कहीं और नहीं हो सकता। उससे आप वोट नहीं खरीद सकते, उससे आप तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर सकते। अमेरिका में 5,80,00,000 लोगों को सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। अमेरिका की सरकार जो भी टैक्स अपने नागरिकों से लेती है उसके बदले में सरकार ने लोगों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। अमेरिका में दुनिया की बेहतरीन सड़कें, अस्पताल और स्कूल हैं। अमेरिका में सिर्फ प्राइवेट स्कूल या अस्पताल ही अच्छे नहीं माने जाते, बल्कि वहां के सरकारी अस्पताल और स्कूल भी वर्ल्ड क्लास हैं, बहुत अच्छे हैं। इन सारी बातों का मतलब ये नहीं है कि भारत के आम आदमी को टैक्स नहीं देना चाहिए। आम आदमी को टैक्स जरूर देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें उन कारणों को भी समझना होगा जिनकी वजह से हमारे देश की जनता टैक्स देने से बचती है, टैक्स की चोरी करती है। यहां पर हमें ये बात भी स्वीकार करनी चाहिए कि जिन देशों में सामाजिक सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं उन देशों में कोई आम आदमी मुफ्त की चीजों के बदले वोट नहीं देता। जापान में कोई बिजली पानी फ्री देने के वादे पर वोट नहीं देता। अमेरिका में कोई मुफ्त लैपटॉप बांटने के वादे पर वोट नहीं देता। चीन में वोट पाने के लिए इफ्तार पार्टियां नहीं दी जाती। इन देशों में सरकारें तुष्टिकरण की नीतियां अपनाकर वोट हासिल नहीं करती और ना ही वोटर ऐसी नीतियों पर वोट डालते हैं। इसलिए हमारे देश की जनता को इन देशों के मतदाताओं से भी शिक्षा लेनी चाहिए। हमें लगता है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर पिछले 70 वर्षों में हमारे देश की तमाम सरकारों ने लोगों का भरोसा नहीं तोड़ा होता तो टैक्स व्यवस्था की तस्वीर आज कुछ और होती। लोग बड़े पैमाने पर टैक्स देते और सरकार भी लोगों को इस टैक्स के बदले में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे सकती थी। आज हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं उससे हमारी सरकारों को तो सीख लेनी ही चाहिए, हमारे नेताओं को सीख लेनी चाहिए, लेकिन हमारे देश की जनता को भी बड़ी सीख इससे लेनी चाहिए। हम बात बात पर चीन से अपनी तुलना करते हैं, अमेरिका से तुलना करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों से अपनी तुलना करते हैं, जापान से करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वहाँ उन देशों की जो जनता है वो 2 रुपये किलो चावल के बदले में अपना वोट नहीं देती। यानी वहाँ की पूरी व्यवस्था अलग है और व्यवस्था में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि लोगों की भी भागीदारी होती है। इसीलिए हम आपसे भी आज ये अपील कर रहे हैं कि आप अपनी सोच भी बदलिए और एक बार अगर इस देश के आम लोगों ने अपनी सोच बदल ली तो फिर नेता भी बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हम बांग्लादेश में हिंदुओं के सांस्कृतिक सफाई का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। आपने अक्सर पाकिस्तान और भारत के तथाकथित बुद्धिजीवियों को यह बात कहते हुए जरूर सुना होगा कि भारत में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, ये एक फैशन बन गया है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं की हालत वहां पर क्या है। कोई बुद्धिजीवी या साहित्यकार या लेखक
इस सवाल पर बहस नहीं करता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू आबादी इतनी तेजी से घट कैसे रही है और हिंदुओं के पूजा स्थलों पर हमले क्यों हो रहे हैं। बांग्लादेश में जिस रफ्तार से हिंदुओं का सांस्कृतिक सफाया हुआ है, अगर वैसा ही चलता रहा तो वर्ष 2046 तक बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। ये दावा बांग्लादेश के ही एक अर्थशास्त्री ने किया है। बांग्लादेश के मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर अबुल बरकत ने 30 वर्षों तक एक रिसर्च किया और इस रिसर्च के नतीजे आपको आज चौंका देंगे। डॉक्टर बरकत के मुताबिक 1964 से 2013 के दौरान 1,13,00,000 से ज्यादा हिंदुओं ने बांग्लादेश को छोड़ दिया है। बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन की प्रमुख वजह धर्म के आधार पर उत्पीड़न और भेदभाव है। एक आंकड़े के मुताबिक बांग्लादेश से हर रोज 632 हिंदू पलायन कर रहे हैं। इस हिसाब से हर साल 2,30,612 हिंदू बांग्लादेश छोड़ देते हैं। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एक नए आंकड़े के मुताबिक इस वक्त बांग्लादेश की हिंदू आबादी 1,70,00,000 है। ये बांग्लादेश की कुल आबादी का 10.7% है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी किस तरह से कम हुई है ये देखकर आज आप चौंक जाएंगे। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और ये पाकिस्तान का हिस्सा था और वहां हिंदू आबादी करीब 28% थी। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद, यानी जब बांग्लादेश अलग देश बन गया पाकिस्तान से अलग होकर, उसके बाद 1981 में वहां पहली बार जनगणना हुई और उस जनगणना में हिंदू आबादी सिर्फ 12% रह गई थी। इसके बाद बांग्लादेश में वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई उसके मुताबिक बांग्लादेश की हिंदू आबादी 9% से भी कम है, यानी जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में 9% हिंदू हैं, जबकि बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इस समय हिंदू आबादी 10.7% है। इस मुद्दे को समझने के लिए हम आपको इससे जुड़ा हुआ एक बैकग्राउंड भी आज बता देते हैं। 1947 के बाद से बांग्लादेश के भौगोलिक इलाके में इस्लामीकरण के नाम पर करीब 30,00,000 हिंदुओं की हत्याएं की गई। 1971 में बांग्लादेश में आजादी की लड़ाई के दौरान हुए नरसंहार में पाकिस्तानी सेना और कट्टरपंथियों ने चुन चुन कर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया था। 1971 के दौरान पाकिस्तानी सेना और कट्टरपंथियों ने इस तरह का नरसंहार और अत्याचार किया जो दक्षिण एशिया में शायद ही कभी देखा गया हो। उस दौरान हिंदू पुरुषों की हत्याएं हुई, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और हिंदू और बौद्ध उपासना स्थलों पर तोड़फोड़ की गई, उन्हें तोड़ दिया गया। इसकी वजह से बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग भारत में शरण लेने लगे और इनमें 60% आबादी अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की थी। हालत ये हो गई थी कि बांग्लादेश बनने के बाद जब वर्ष 1981 में बांग्लादेश की पहली जनगणना हुई तो उसमें करीब 5 करोड़ हिंदू आबादी गायब थी। बांग्लादेश बनने के बाद भी हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सिलसिला बंद नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कुछ दशकों में यह सिलसिला काफी तेज हो गया है। इसी साल 30 अक्टूबर को बांग्लादेश में 15 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी और हिंदुओं के 100 से ज्यादा घरों को लूट लिया गया था। 31 अक्टूबर को DNA में हम ही ने आपको ये खबर दिखाई थी और आपको बताया था कि कैसे बांग्लादेश बहुत तेजी से पाकिस्तान जैसे कट्टर देश के रूप में तब्दील हो रहा है और पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश में भी हिंदू होने को इस्लाम के खिलाफ माना जाता है। 30 अक्टूबर को हिंदू मंदिरों और घरों पर हुए हमलों के बाद बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदुओं पर लगातार ऐसे ही हमले जारी हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन इस पर कभी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान नहीं जाता, इसलिए जी न्यूज आज पूरी दुनिया की बंद आंखें खोलना चाहता है। हत्या कर दिया और उनके साथ में बहुत गलत भी हुआ। तुम्हें अपनी माँ के बारे में जो है ना, हम लोग ये सब बात जब सोचते हैं हमें दिमाग खराब हो जाता है। आप मेरी धर्म भाई है, आप हमें बचाओ, हमारे साथ ऐसे ना कीजिए। इधर कानून की मदद नहीं, इधर समाज टिकने नहीं देंगी।
हम बहुत जमी वाले आदमी थे, लेकिन वहाँ उन लोगों ने सारे के सारे 5-7 दिन से ही वहाँ पे जोताई करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। बांग्लादेश से वीजा पर भारत आए नेताई बाला और उनकी पत्नी अर्चना बाला बांग्लादेश में हिंदू आबादी पर हो रहे अत्याचारों के साक्षात गवाह हैं। वो तो हिंदू जो तो हिंदू आर की पुजारी सब आर की मामारी जाता अब आमर सोशु सासुड़ी उन आदर आर की सब मनो गला सेंदे सेंदे मामारी पले। अर्चना बाला और नेताई बाला के मुताबिक जिस वक्त भारत में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था उस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर ढाया जा रहा था। हिंदुओं के मंदिरों में बम फोड़े जा रहे थे। मंदिर पूजा मंदिर मैंने मैं बता रहा हूँ एक्चुअली जो काली पूजा होता है दिवाली मीन्स हमारे बंगाल में काली पूजा बोलते हैं। काली पूजा में यहाँ पे हम लोग दिवाली के पटाखा फोड़ रहे थे और वहाँ पे हिंदुओं के मंदिरों में बम फोड़ रहे थे। अर्चना और नेताई के दो बेटे हैं, बव्वे हैं, लेकिन बव्वे डर के मारे ससुराल नहीं आते। बड़े बेटे ने बांग्लादेश की सिविल सर्विस का एग्जाम पास कर लिया है लेकिन हिंदू होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही। আমার বৌমাদের আমাদের বাড়ি আনে না, মুসলমানরা চারপাশে তারা বাপের বাড়িতে থাকে, তারপর অনেক সমস্যা। আর আমার মা বাবারে মেরিয়ে ফেলেছে, সেখান থেকে আমাদের অন্তরে একদম ভয় জড়ায় গেছে মুসলমান। ইনকে তো বেটেকে শাদি হওয়া উনকে বচ্চেকে তো মিশে যায়, ও তোরা হিন্দু ক্ষেত্র মে আয় উনকে শ্বশুরাল তো ইন আপনি ঘর পে নিলে আতে দোনো বহু কো কি যে রাত কো আকে জবরদস্তি উনকে সাথ ভি কো এসে দুর্ঘটনা না ঘট যায় তো যায় বেটে রাতে ইধার উনকে বহু ওই পে রাতে ও হফতে 10 দিন মে যাকে বহু সে মিলকে আতে ডর লাগতে কিউকি আমার মাম্মি পাপা কো ভি এসে মার দিয়া গয়া তো ইয়া পে যো দর্শন মতলব মার জিনকে সাথ बलात्कार होता है उनको मार भी दिया जाता है। इसी वजह से जो है ये डरते हैं उनके अपने घर पे अपनी बहू को लाने के लिए। दो बेटे हैं, दो बेटे के दोनों बहू को अपने मम्मी पापा के पास छोड़ रखते हैं। अर्चना के भाई गौरव 1996 में 13 वर्ष के थे और कोलकाता में पढ़ाई कर रहे थे। पिता बांग्लादेश में डॉक्टर थे तो माँ टीचर थी, लेकिन दोनों को कट्टरपंथियों ने मार डाला और जमीन और जायदाद पर कब्जा भी कर लिया। मेरी जमीन जायदाद के ऊपर उन लोगों ने मरीज देखने के बहाना में बुला के ले जाके अंगूठा लगा के उनका जमीन वगैरह लिख के पिताजी का हत्या कर दिया। और फिर माताजी को इसीलिए बुला के लेके गए थे क्योंकि माताजी ने देखा था कौन लोग बुला के लेके गए मरीज देखने के लिए। तो फिर उनको बुलाया, जो डॉक्टर साहब आपको बुला रहे दूसरा वाला बैग लेके साथ में जाने के लिए बोला है। तो जैसे गए जाके देखा उनको मार दिया, उनको जबरदस्ती उनको भी हत्या कर दिया और उनके साथ में बहुत गलत भी हुआ। तो मैं अपनी माँ के बारे में जो है ना, हम लोग ये सब बात जब सोचते हमें दिमाग खराब हो जाता है, हम लोग जो है ना सोच भी नहीं पाते। गौरव की बहन सुधा बिस्वास कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश होकर आई है, लेकिन वहाँ के हिंदुओं के हालात क्या है आप खुद सुधा से सुनिए। जो है ना हिंदी कोई भी फेस्टिवल नहीं मना सकते हिंदुओं को, पूजा पाठ फिर जैसे कि बाहर भी घूमो तो उन्हीं के तरीके से घूमो तो ठीक है, पता ना चले कि ये हिंदू महिला है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगा। और अकेले तो घूम ही नहीं सकते, जैसे हम इंडिया में जैसे घूमती है शादीन एक, और वहाँ तो बस घर बैठी बैठी रहो, महिला लोग निकालते ही नहीं है, हिंदू लोग तो निकाल ही नहीं पाते। और निकालने से वही मुसीबत आएगा फिर कोई खींच के, हमें भी छोटा छोटा में शादी कर दिया हमारे माँ बापों ने ताकि कोई ऐसे काम ना करे। हमारी शादी की उम्र भी नहीं हुआ था, इसी डर का हमारी उन्होंने भी कर दिया। इसे सब लड़कियों को इतनी इतनी से जिनके है ना सब बालिक नहीं होती, उससे पहले शादी इसीलिए कर देते ताकि इनको कुछ गलत ना हो। और जिसको रखती है उसके साथ होती है गलत। और पढ़ पाती हैं महिलाएं, पढ़ पाती हैं। अगर किसी को इंडिया में शादी कर दिया उसके हस्बैंड पढ़ाया तो ठीक है, पढ़ लिया इधर के आके, नहीं तो वहाँ नहीं पढ़ पाते। नहीं, हमारा पढ़ने का इतना शौक थी लेकिन हमारी किस्मत में नहीं हो पाए और यहाँ पर आके फिर हिंदी हम नहीं पढ़ पाए। 1947 में बांग्लादेश के इलाके में जो हिंदू आबादी 28% थी वो बांग्लादेश बनने के बाद 1981 में हुई पहली जनगणना में सिर्फ 12.13% ही रह गई। सिविल सोसाइटी जो बुद्धिजीवी है उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो प्रोटेक्ट करें,
इंडिविजुअल लेवल में आप कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल में ठीक आप उनको स्पेस देंगे, लेकिन पॉलिटिकल लेवल में या जुडिशियरी लेवल में अगर कोई लॉ नहीं है जो कि जैसे कुछ एक्शन हुआ उसके अगेंस्ट में तुरंत अरेस्ट हो, वो सारा चीज नहीं है। 1977 में बांग्लादेश के संविधान से सेकुलरिज्म शब्द हटा दिया गया और 1988 में बांग्लादेश ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने हिंदू अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया। कश्मीर में घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुआ है, तो हिंदुओं को अब जब वो हिंदू अपना एक अपना अस्तित्व के लिए सोचने लगता है तो कहते हैं कि ये सांप्रदायिक है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार एक बड़ा मुद्दा बना था। सरकार ने हिंदुओं की रक्षा के वादे भी किए लेकिन इन पर भी अमल होता नहीं दिख रहा। ने हर कदम पर हर अवसर पर बांग्लादेश की मदद की है, इन सारी चीजों को देखते हुए बांग्लादेश की सरकार पर भारत सरकार दबाव बनाए कि अगर बांग्लादेश सरकार गंभीर निर्णय नहीं ले रही है, गंभीर कदम नहीं उठा रही, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व की दूसरी बड़ी ताकतों के माध्यम से भी बांग्लादेश पर दबाव बनाए। इसी का नतीजा है कि अब बांग्लादेश के ही एक अर्थशास्त्री ने भविष्यवाणी कर दी है कि वर्ष 2046 तक बांग्लादेश में हिंदुओं का नामोनिशान तक नहीं बचेगा। ये तारीख के अंदर ये जो सब कुछ जो हो रहा है, ये मुझे लगता है कि इस देश के अंदर हम फिर से दोबारा से चर्चा करें, बैठें कि आखिर ऐसी क्या बात है, पड़ोसी मुल्क हमसे जितने भी हमारे दोस्त थे वो भी दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की गूंज अब पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद तुलसी गबार्ड भी बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाए जाने की अपील कर चुकी हैं। While we here in the United States may sometimes take our freedoms for granted, Hindus and other religious minorities in Bangladesh are living in perpetual terror. Forced conversions to Islam, rapes and abductions, extortions and land grabbing and forced expulsion, desecration and destruction of places of worship are just a few of the types of violence that are currently being unleashed. The population of Hindus in Bangladesh has dwindled from 18% in 1971 to a meager 9.7% today. We must stand together with the people of Bangladesh. Please sign this petition as we call on the Bangladesh government to take urgent action against the horrific oppression and terror that plagues religious minorities in Bangladesh every day. हमारे यहाँ नेताओं, बुद्धिजीवियों और लेखकों का एक बड़ा वर्ग कहता है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, लेकिन क्या इन बुद्धिजीवियों ने पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में कुछ कहा है? वो लड़ाई कर रही हैं उसके विरुद्ध, बांग्लादेश के तमाम बुद्धिजीवी इसके विरुद्ध सचेत हैं, और ये बरकत साहब का रिसर्च भी ये बताता है, शोध भी बताता है कि किस तरह की उनकी सोच हिंदुओं के प्रति सहानुभूति और समर्थन की है। बांग्लादेश में एक भी हिंदू के ना रहने की भविष्यवाणी की जा रही है। भारत में अक्सर अल्पसंख्यकों की बात होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की बात करने वालों की घोर कमी है। आखिर दुनिया को हिंदुओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई पड़ता? सवाल यह भी है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को कौन बचाएगा? मुंबई से अंकुर त्यागी और दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, इस पर हम आपको विस्तार से आज जानकारी देंगे और बांग्लादेश की हालत के बारे में भी आज आपको बताएंगे। बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक देश में हर धर्म के मानने वालों के अधिकार सुनिश्चित करने को कहा गया है, लेकिन 1977 के बाद से बांग्लादेश कट्टरपंथियों के दबाव में पाकिस्तान की घटिया दर्जे की फोटोकॉपी बनने की कोशिश करने लगा। वर्ष 1988 में बांग्लादेश ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया, जहां इस्लाम को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता मिली। बांग्लादेश में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी जैसी पार्टियों ने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। बांग्लादेश में इस तालिबानीकरण का सबसे आसान शिकार हिंदू अल्पसंख्यक बने, जिन्हें भयानक तौर पर प्रताड़ित किया गया। बांग्लादेश में वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को हड़प लिया गया, जिससे वो देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किसी भी नागरिक को
देश का दुश्मन घोषित करके उसकी संपत्ति पर कब्जा किया जा सकता है। इस कानून के खिलाफ करीब 26 लाख एकड़ जमीन के लिए 10 लाख केसेस पेंडिंग हैं, जिनकी संपत्ति लौटाने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन अब तक एक इंच जमीन भी लौटाई नहीं गई। बांग्लादेश की सरकार ने एक नए कानून के जरिए हिंदुओं की संपत्ति लौटाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन सच यह है कि हिंदुओं की ज्यादातर जमीनों पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और आवामी लीग के नेताओं का ही कब्जा है। इसलिए बांग्लादेश के 60 लाख हिंदू आज भी अपनी जमीन और संपत्ति वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्ष 2009 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा मिला था, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को उदारवादी माना जाता है। लेकिन शेख हसीना की सरकार हिंदुओं के पलायन और उनका धार्मिक उत्पीड़न रोक नहीं पाई। हमें लगता है कि धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले नेताओं को अपनी गर्दन बांग्लादेश जैसे देशों की तरफ भी घुमानी चाहिए, जहां हिंदू आबादी का सुनियोजित तरीके से सफाया हो रहा है और कोई भी इस विषय में कुछ नहीं कह रहा है, कोई कुछ बोलता नहीं।